पहचान दिल्ली के दिल का अरमान काफिया काफिया काफिया। क्या बूदोबश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमें करीब जान के हसस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मन थकी बेरोजगार के, और जिसको फलक ने लूट के वीरान किया, हम रहने वाले हैं उस उजड़े दयार के। उनके लिए जोरदार तालियां जरूर। जो मीर ने लिखा है, जो मीर ने कहा, दिल्ली में अकेले मीर नहीं थे, अकेले गालिब नहीं थे, दिल्ली में बहुत लोगों की दास्तान है। दिल्ली एक ख्वाब है जिसको न जाने कितनों ने हकीकत बनाने की कोशिश की। इस ख्वाब को जितनों ने देखा उतनी बार ये ख्वाब उजड़ा। दिल्ली उजड़ी, दिल्ली बसी। कहा जाता है दिल्ली के 7 शहर हैं, 7 अलग अलग शहरों को मिला के एक शहर बनता है। अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों ने कोशिशें की दिल्ली को बसाने की। तो आज मैं आपको एक सफर पे लेके चलता हूँ। अगले कुछ मिनटों में दिल्ली के उन शहरों के बारे में, उन शहरों से आपको रूबरू कराऊंगा जितनों से करा सका। दिल्ली के अंदर आज भी 1300 से ज़्यादा इमारत मौजूद हैं जो अंग्रेज़ों के आने से पहले बन चुकी थी। 1317 मॉन्यूमेंट्स टू बी प्रिसाइज। देयर वर ओवर 100 रूलर्स हु हैव रूल्ड ओवर दिल्ली। और मुगलों से पहले भी दिल्ली थी। ज़्यादातर लोग कहते हैं मुगल आए, अंग्रेज आए, खत्म। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिल्ली के ऊपर सबसे ज़्यादा वक्त तक जिसने राज किया है वो मुगल नहीं थे। मुगलों ने सिर्फ 1314 साल दिल्ली पर राज किया। 400 साल तक तोमरों ने दिल्ली के ऊपर राज किया। हम पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राजा बोलते हैं, वो यहाँ पर सिर्फ 14 साल के लिए था। हेमचंद्र विक्रमादित्य से कुछ ज्यादा। तो दोस्तों आओ किस्सा तुम्हें सुनाओ एक आबाद वीराने का, राजाओं और सुल्तानों के एक सपने सुहाने का। सपने में फरिश्ते रहते हैं पर खून के दरिया बहते हैं, यहाँ आशिक भी हैं योद्धा भी, इस शहर को दिल्ली कहते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। सूफी संत फकीरों की ये धरती, गुरुओं पीरों की, शायरों और अमीरों की, दिल्ली रही है वीरों की। यमुना जी के तट पर जब पहुंचे थे पांडु पुत्र वो, तो खांडव प्रस्थ के जंगल में इंद्रपुरी बनाई थी, जहाँ बैठ के शासन करते थे और न्याय के डंके बजते थे। वैभव विलास और माया की जहाँ रोशनी बस छाई थी, खो गया वो शहर इंद्रप्रस्थ। खो गया वो शहर इंद्रप्रस्थ, धरती की गोद में सो रहा अब खून से लथपथ अरावली भी, कुरुक्षेत्र तक रो रहा कि महाभारत के युद्ध ने तो अब काया ही पलट दी है, दूची श्वेत यमुना भी लाल रंग में रंगी है। हजारों बरस भी गुजर गए और शहर पांडु के उजड़ गए, तो राजपूत एक बड़ा हुआ, दिल्ली में आकर खड़ा हुआ। मिहिर भोज का पुत्र था और तोमर वंश का सूत्र था, अनंगपाल था नाम रखा और दिल्ली का में आरुका। सूरज कुंड बनाया था और अनंत काल खुदवाया था, फिर लाल कोट की दीवारों में मेहरौली बसाया था। लौह स्तंभ जो पुरखों का था लेकर दिल्ली आए थे और मंदिरों के प्रांगण में नए ध्वज झुलाए थे। 19 वंशज तोमर बहे, 400 वर्ष तक राज किया, फिर एक बलवान योद्धा को अजमेर से दिल्ली बुला लिया। एक शूरवीर महान था, राजपूतों की शान था, इस भारत का अभिमान था, वो पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज ने दिल्ली आकर काया ही पलट दी थी, मेहरौली की दीवारों में नई ताकत ही भर दी थी। जोड़ के पत्थर पत्थर उसने लाल कोट को बड़ा किया, फिर राय पिथौरा किला बना के ध्वज अपना जो फहरा दिया कि चर्चा दिल्ली का बुजुर्ग खुरासान तक होने लगा, तो घोर मोहम्मद दिल्ली का सपना दिल में पिरोने लगा। और सपना पूरा करने को वो चलकर दिल्ली आया था, वार पे वार पे वार किए तो पृथ्वी को हराया था। युद्ध समाप्त हुआ, युग समाप्त हुआ, वक्त बदला, तारीख बदली, हिंदुस्तान की तकदीर बदली, बदला केसरी निशान भारत का, बदल के परचम सब्ज हुआ और मजहब फारस की गलियों से हिंदुस्तान की नब्ज हुआ। बहुत अच्छा। गुलाम कभी जो थे शाहों के, हिंद के सुल्तान हुए, इमारत तामीर हुई, रेगिस्तान बोस्तान हुए, कहीं गुंबद कहीं मेहराब कहीं कसर कहीं किले, यूं बाहें पसार मामलुक हिंद को मिले, मस्जिद जामी और मीनारे कुतुब, तख्त मेहरौली बाबे ताजुब, कुतुब वल तमश रज़ी और बहराम, 9 दशक तक किया हिंद ने सलाम। फिर किलोपति के उशीश महल में, गए कवादी के रंगीले हरम में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का इक्तिनवार हो गया,
कैकाबादी के घर से शी चुदाता हो गया, नन्ना की उम्र भी अब क्या करता, गुलाम वंश समाप्त करके खिलजी कागज हो गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, हौज़े खास बनवाया, दारुल खिलाफत बसाया, मदरसे और मस्जिद खुलवाए, नए शहर सजाए और कुव्वत बाजुओं से राजे रजवाड़े हराए। पर खिलजी घराना भी वैसा निकला, आशिक शराब शबाब पैसा निकला, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अयाश कैकाबादी जैसा निकला। फिर वक्त आया गाजी मलिक का, जो घियासुद्दीन तुगलक कहलाया, पकड़ गुलाम शहर भर से तुगलकाबाद का किला बनाया। पर वो भी खिलजी का हमदम था, हुकूमत के नशे में कहां किसी से कम था, तुगलक की फरमान चलाए, दिल्ली वाले बहुत सताए। तब मोहम्मद बिन तुगलक आया, शहरे जहां पना बनाया, फिर दिल्ली छोड़ दौलताबाद बसाया, नोट छापे चमड़े के, सिक्के तांबे के बनवाए, क्या बताऊं उसने क्या क्या वाहियात ख्याल पकाए, कोशिश की जन्नत करने की, कोशिश की जन्नत करने की, पर जहन्नुम सा निजाम बनाया और गलत सलाहकारों की बदौलत वो पगला सुल्तान कहलाया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। 1398 तैमूर भारत आ गया, 1398 तैमूर भारत आ गया, चुनचुन के तुगलक मारे, गजब कहर कमा गया, ऐसी दहशत फैलाई उसने, कोई खुद को सुल्तान न कहता था, लोग घरों में रहते थे, महल में राजा कोई न रहता था। 16 साल बाद लोधी ने हिम्मत की, देख के खाली तख्त दिल्ली पे हुकूमत की, पर 2 साल के अंदर सैयद ने उसको हरा दिया, फिर से दिल्ली में तैमूर का परचम लहरा दिया। पर लोधी वापस आए, जंग में सैयद हराए और तख्त दिल्ली पर बैठ के बुर्ज व गुंबद तामीर कराए। अरे चंद दिन के मेहमान थे वो, बाबर जो आने वाला था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चंद दिन के मेहमान थे वो, बाबर जो आने वाला था और बाद उसके शेर शाह सूरी एक नई दिल्ली बसाने वाला था। सम्राट भीम चंद्र विक्रमादित्य ने बाद सूरी के तख्त प्राप्त किया, पर हुमायूं अकबर की फौजों ने उसे 30 दिन में समाप्त किया। अब मुगल भारत आ गए और नए बाब रचा गए, 3 पना फिर आगरा शाहजहानाबाद बसा गए, शेर और खुर्शीद जो मुगलिया परचम कुल हिंद पे लहराता था, पंजाब सिंध गुजरात मराठा सब मुगलिया कहलाता था। धीरे धीरे शराब मुगलिया रगों में बहने लगी, बगावतों का दौर बुलंद हुआ, मायूसी किले में रहने लगे। क्या बात। इस बीच एक सौदागर आया, गौर कीजिएगा, यहाँ से हमारी तकदीर सच में बदलती है, कि इस बीच एक सौदागर आया, मौत का साजो सामान लाया और 2 बिलियों की लड़ाई में बंदरों ने यूं मुनाफा कमाया। कि काला दिल था गोरी चमड़ी, साहेब बहादुर जेब में दमड़ी, एक एक कर सब बिके नवाब, नहीं पैसे का कोई जवाब, और जो ना बिके बिकाऊ भिखारी, उनकी नस्लें चुन चुन मारी, ऐसा कहर ढाया गोरों ने, गुलाम किए सब बारी बारी। हाहाकार, दिल्ली फौज हिंदी फौजी पकड़ बंदूक के गोरों का कर रहे सरकार, पर नतीजा क्या हुआ, जकड़ा जफर भेजा रंगू, दिल्ली कर दी खूनों खून, बंदूक का शासन देख लो, न दिन को चैन न रात सुकून, अरे यूनियन जैक को करो सलाम, जॉर्ज आएंगे तेरे काम, बंगाल से दिल्ली आएंगे, नया शहर बसाएंगे, पानी पाइप का आएगा और हर टाइप हो जाएगा, पेट दुखे या आंख आए तुझको कौन बचाएगा। पाइप का हर पढ़ना पड़ा है टाइप का, पेट दुखता है, आंख आई है, शाह एडवर्ड की दुहाई है, तो उस पर मैंने लिखा है कि पानी पाइप का आएगा और हर टाइप हो जाएगा, पेट दुखे या आंख आए तुझको कौन बचाएगा, ए दिल्ली तू वीरानी है, सपने सी तेरी कहानी है, आंख से बहता खून तेरे रगों में बहता पानी है। क्या बात है, से बहता खून तेरे रगों में बहता पानी है, 3000 साल के इतिहास में तूने हर राहगीर को अपनाया, सबने तुझे लूटा, सबने सताया, पर ए दिल्ली महान है तू, कि तू आज भी आबाद है और चैन और अमन से तेरे बाशिंदे रहे, मेरी यही फरियाद।